और क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है अमृतपाल। तो आज हम जा रहे हैं मून शक्ति हेरिटेज पार्क। तो आज चलेंगे, ठीक है, आपको दिखाएंगे अभी हमें सोलन में, सोलन बाज़ार में। तो यहाँ से हमने लेना है राइट, ठीक है। भीड़ बहुत है यार, अभी तो वर्किंग डे भी नहीं है, बट यहाँ तो यहाँ हमेशा भीड़ होती है। हाँ, क्योंकि यहाँ कॉलेज वगैरह है तो भीड़ रहती है हमेशा। तो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है, पहुँच जाएंगे। रोड अच्छे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो जो सोलन से लेके शिमला तक का रोड है, वहाँ पर आपको रास्ते में दिखेगा मून शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क, एक कट आएगा, ठीक है। तो आपने कट लेना, ठीक है, ये वाली रोड है। तो यहाँ से बस थोड़ा सा ही रह गया, अब बाकी यहाँ पर इंजन ऑफ कर देते हैं और मजे से बाइक चलेगी अब। और जो रोड है तो एक्सट्रीम लेवल के है, मतलब मज़ा आता है देखने में। इसके ऊपर जो गाड़ियाँ भागती है, बाइकें भागती है, भागती क्या मतलब लीन करती है, ये कट आते हैं वो काफ़ी मस्त से आते हैं। और अभी आप देखना आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ तक आया था ना, तब कैमरा ऑफ हो गया था, मेमोरी के कारण बंद करना पड़ा था, बट इस बार चलो मेमोरी है, आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि कैसी कैसी कंडीशन होती है। अगर आप एक्टिवा, स्कूटरी, ठीक है, बाइक, इन पे आते हो तो भाई नेक्स्ट लेवल का ही मज़ा आता है। और यहाँ पर देखो, जगह जगह हर बार ऐसी क्लैश होने को देखने को मिलते हैं, आगे से गाड़ी आ रही थी, पीछे से गाड़ी आ रही थी है। और यहाँ पर जब जाम लगता है तो एक एक घंटे का जाम लग जाता है। और गाइस देखो, सांप की तरह रोड है पूरा, देखो जलेबी की तरह, देखो ऐसे घूम फिर के। जिस टाइम अप आए थे तब तो नहीं थी ना रोड ऐसी, तो पूरी बंजर थी यहाँ पे। तो बुलेट वाला देखो, लद्दाख की राइडर एचपी नंबर। ये भी है, ये तो है यार। तो सुनो भाई, हमारा काफ़ी देर बाद प्लान बना के बाहर आया है, तो जॉब पे काफ़ी बिजी था। सड़क तंग है भाई, हम भी तंग है, ठीक है, सड़क तंग है, धीरे चलो भाई, हम भी तो तंग है। देखो कैसे कैसे कट है, देखो बारिश का मौसम होता ना यार, इस टाइम जो पेड़ है ये जो ग्रीनरी है कि नहीं आता, और हरी भरी दिखती है, अलग अलग ही कंट्री में आ रखे हैं। हाँ वही तो, मतलब बारिश के टाइम भी इधर आ रखे हैं। तो यहाँ पर कर्व्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, अभी तो कम कर्व्स है, आगे जाकर ढलान भी है, अभी तो कर्व्स दोनों मिलेंगे यहाँ पे। रोड जो चलाने का जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल है यार। मौसम तो वैसे ही अच्छा है, अभी देखो यार चंडीगढ़ में इस टाइम 44 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप तो है ही, उधर ठंडी ठंडी मिट्टी मिट्टी हवा चल रही है, तो उस करके और मज़ा आ रहा है। और अब जगह ना पहले से काफ़ी डेवलप है, एक टाइम पर तो ये था कि भाई जगह की ये जो सड़कें थी ही नहीं, इधर ऐसे ढलान पे, ठीक है, उस पर चलाना पड़ता था, बट अब मक्खन जैसी सड़कें हैं और मक्खन जैसे कर्व है, और नीचे जाके कैंटीन है, तो उसमें सब कुछ मिल जाता है खाने पीने का, ठीक है, थाली वगैरह सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं आती। फैमिली के साथ आने का तो बहुत मज़ा है इधर, क्योंकि बड़ी है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है।
लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे यामा की R15 चलाई थी तो उसका तो अलग ही मज़ा है यार। उसमें ना ये फ़ायदा है कि भाई आपकी पूरी ना बॉडी वर्क करती है। अब इस बाइक पे कहने से बस बैठे और स्पीड तो चलती रहती है, बट जो उस पर था मज़ा कि हाँ हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है तो अलग ही था। उस टाइम तो यार बहुत गंदा रश था यहाँ पे, उस टाइम शायद हम वीकेंड पे आए थे तो काफ़ी सारी जो ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल की बसें होती है वो फंसी हुई थी इधर। और यहाँ पे भी घर है, जी सिद्धू मूसे वाला, सिद्धू मूसे वाले वाले की थार जा रही थी अभी। तो जहाँ कहीं भी वाली थार दिखती ना ब्लैक कलर की थार तो मूसे ही निकलते, सिद्धू मूसे वाले की थार। तो थार तो आपको पता ही है कितनी मशहूर गाड़ी है। मोहन शिव शक्ति मंदिर पार्क है, ये पार्क भी है मंदिर भी है। हाँ एक साइड पूरी वो है मंदिर का एरिया है और एक साइड पूरा पार्क है, कैंटीन वगैरह थोड़ा मतलब पार्किंग वगैरह डेकोरेशन है। मेन तो मंदिर ही फेमस है इधर का, मेन तो हिस्ट्री है, सारा कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे। तो बस पहुँचने वाले हैं, बस पूरे रास्ते में ना ऐसे रास्ते हैं कट्स वाले। अगर कोई थोड़ा बहुत वो है कि हाँ भाई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग कर रहा है या राइडिंग कर रहा है तो इतने चांस तो है वो ठोक देगा किसी ना किसी में, क्योंकि यहाँ बहुत बचा के चलानी पड़ती है तो काफ़ी कुछ देखना पड़ता है यार। देखो ढलान भी है, कर्व्स भी है, ओवरटेक करना है कैसे, तो सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है। बाकी यहाँ बंदा 3-4 बार आ जाए ना, 2 बार भी आ जाए ना तो वो हो जाएगा पक्का। ये पता नहीं किसको देख के वो कर रहा है भाई, क्या मिल गया फालतू में रह करके। तो पता नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा भी हेलमेट के अंदर बजा यार, अभी मैंने वाइजर उठा रखा है तो पता नहीं, चेक करना पड़ेगा जाके। गाइस पता नहीं चलता आगे से कौन आ रहा हो, देखो इतनी सी जगह है ठीक है, और हम स्पीड में अगर तो कुछ नहीं कर सकते कौन आगे से, इसलिए जितना हो सके ना उतना हॉर्न मारें ताकि अगले बंदे को पता चल जाए ना कि हाँ भाई कोई आ रहा है। तो जगह तो बहुत पास चंडीगढ़ के ठीक है, अगर आपको भी आपको प्लान बताओ जरूर आए ठीक है। 70 किलोमीटर पे, 70 किलोमीटर क्या ही होते हैं, ऐसे बंदा पहुँचे घूमते फिरते। हमारा भी इधर आने का प्लान नहीं था बट एकदम से बन गया तो आ भी गए देखो, तो वो बात होती है। तो गाइज पहुंच के देखो तो यहाँ पर पार्किंग वगैरह का सिस्टम भी अच्छा है, बढ़िया एकदम। अब पहले तो चार्जेबल नहीं था, पता नहीं चार्जेबल ना हो, देख लेते हैं कैसा किताब है। एक तो नहीं यार ब्रेकर, तू भी ना छोड़ के बढ़ जाता चला रहा हूँ यार। तो गाइस पहुंच गए हैं
ठीक है, अब यहाँ का स्टार्ट होएगा व्लॉग नंबर 3। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।